ठहरा प्रभु का आत्मा सुंदर ये सृष्टि बन गई वहाँ ठहरा प्रभु का आत्मा सुंदर ये सृष्टि बन गई कुछ होने पर है हो नया होने पर है अद्भुत यहाँ होने पर है पर है हो नया होने पर है अद्भुत यहाँ होने पर है ओ कुछ होने पर है ओ नया होने पर है अद्भुत यहाँ होने पर है धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं प्रभु आपका आदर करते हैं सम्मान करते हैं हम सब आपके बच्चे आपका इस्तकबाल करते हैं स्वामी और इस समय हम चाहते हैं प्रभु हम सब आपके बच्चे अपनी आंखों को आपकी ओर लगाते हैं स्वामी और हम चाहते हैं कि आप हमसे बातचीत करिए इस समय पवित्र आत्मा आपसे निवेदन है गुजारिश है प्रार्थना है अपने व्यवहार को आप ढेल दीजिए ताकि आपकी महिमा का जलाल इस जगह में प्रकट होने पाए जितने समय यहाँ पर है स्वामी हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप अपने जलाल को इस जगह में प्रकट करिए बिनती यीशु के नाम में मांगते हैं आमीन आमीन हालेलुया प्रभु का धन्यवाद हो यहाँ होने की बड़ी खुशी की बात है मैं आप किसी को नहीं जानता यहाँ के अभक्त दास जन भविष्यवक्ता किसी को भी नहीं जानता मैं मुझे संडे रविवार इधर नागपुर पे आना था और वहाँ एक भाई है और उन्होंने कहा कि क्या आप 2 तारीख और 3 तारीख को आ सकते हैं मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा अगर प्रभु की इच्छा है तो हम जरूर आपके बीच में होंगे लेकिन मैं विश्वास करता हूं मैं आपको जानता हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता या मैं आपको नहीं जानता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर जिसका नाम यीशु है वो आपको जानता है और आपको पहचानता है हालेलुया भाई बहुत सारी बातों को बोल रहे थे मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा दूसरा इतिहास की पुस्तक उसका 20 और 20 वचन के अंदर में भविष्यवक्ता को जब हम भविष्यवक्ता जान के ग्रहण करते हैं तब उसका हमको अवार्ड नहीं मिलता रिवॉर्ड मिलता है हालेलुया मेरे जीवन को बदले 18 वर्ष से ज्यादा हो गए 19 वर्ष में प्रवेश कर चुका हूँ प्रभु यीशु मसीह को से मेरा मुलाकात हुआ है उसे पहचान हुआ है एक आवारा सड़कों में घूमने वाला जिससे गलियों और माहौल और सड़क जैसे जिसका पहचान था मैं यीशु को जानता था लेकिन बाइबल को नहीं जानता था हालेलुया हालेलुया मैं हमेशा एक बात से शुरुआत करता हूँ मुझे किसी ने नहीं बताया कि मैं भविष्यवक्ता हूँ सन 2000 की बात है जब मैं बहुत ज़्यादा एक अच्छा घर का एकदम बिगड़ा हुआ इंसान था घर के लोग सोचते थे मुझे एक शौक था इंजीनियर बनने का और मेरे जो घर के लोग थे उनका भी एक सपना था कि मैं बहुत एक अच्छा इंसान एक नेक इंसान बनूं और मेरा जो परवरिश हुआ वो मुसलमानों के बीच में हुआ उनके साथ खेले बढ़े और उन्हीं के साथ रहे सब जगहों में घूमने वाला लेकिन सबसे ज़्यादा यीशु मसीह अगर नफरत था किसी से तो वो था यीशु से था हालेलुया क्या आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं क्या अपने नेबर को बोले क्या अपने पड़ोसी को बोलेंगे यीशु आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं मैंने एक बात सीखा है अगर शैतान के सरहदों में आपको अगर हलचल मचाना है तो आपको मुस्कुराना पड़ेगा हालेलुया क्या आप मुस्कुरा सकते हैं अपने पड़ोसी को देखकर हालेलुया क्या अपने पड़ोसी को देखकर आप मुस्कुरा सकते हैं क्या अपने पड़ोसी को देखकर भाई आप मुस्कुरा सकते हैं हालेलुया जितना आप मुस्कुराएंगे उतना परिस्थितियां बदलेंगी हालेलुया अगर मैं आज की रात में यहाँ पर हूं तो कुछ तो होगा मैं विश्वास करता हूँ हालेलुया जब अमेरिका देश के लोगों ने मुझे मना कर दिया वहां के शासन प्रशासन ने मेरे ऊपर पाबंदी लगा दिया लेकिन जब परमेश्वर आदेश करता है तो मैं
वहां पहुंच जाता हूं। हालेलुया। और परमेश्वर ना आपकी इच्छा ना मेरी इच्छा, लेकिन मैं विश्वास करता हूं स्वर्ग का परमेश्वर, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, स्वर्ग का परमेश्वर जिसका नाम क्या है, यीशु है। हालेलुया। मैं अपने संदेश में जाने से पहले, मैं जहां भी जाऊं मैं ये बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह यहां पर चल रहा है। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर यहां पर है। जब मैं भाई को देख रहा था, जब भाई आके बैठे, अगर आप बोलेंगे मैं बहुत ज्यादा गहराई में जाऊंगा आपको लेकर, हालेलुया, अगर आप बोलेंगे बहन तो मैं आपको बहुत ज्यादा गहराई में आपको ले जाने के लिए तैयार हूं, हालेलुया। अगर मेरा जो बर्थ ऑफ ईयर है 1976, मेरा है 1976, अगर 1976 को अगर पलटूं मैं अगर, तो 67 हो जाएगा। हालेलुया। आई सी जब भाई आप बैठे थे मैं एक बात को देख रहा था, 1967 को मैंने देखा। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं सिर्फ। हालेलुया। अगर मैं अपनी पत्नी के बारे बोलूं तो मेरी पत्नी का जो जन्मदिन है वो जुलाई के महीने में आता है। हालेलुया। ओ रबस्सा खाना महालाला बस्सा खाना महालालुया। 67 जब मैं देख रहा था भाई, उसका आखिरी सब 7 है, और 7 ईयर आप जो साल होता है उसका सातवां महीना होता है। हालेलुया। और सातवां महीना जुलाई का महीना होता है। हालेलुया। और हालेलुया। ओ रबस्सा खाना महालालुया। ओ रिस्सा खाना मा, आज से भाई सब कुछ बदलने वाला है, आज से आप बदलने वाले हैं। हालेलुया। और एक चीज को देख रहा हूं, बाइबल के अंदर बताया पांच ग्रेस आपके, वही ग्रेस को मैं देख रहा हूं इस समय। हालेलुया। 5 जुलाई 1967, ओ रब खाना हालेलुया। क्यों नहीं सुख ले एक बार जोर से ताली को बजाएं। हालेलुया। ओ रब खाना हालेलुया। भाई आज से आप, अभी हम बहुत ज्यादा गहराई में आपको लेकर जाएंगे। हालेलुया। मेरे पास थोड़ा सा समय है, थोड़े से समय हम, मैं सिर्फ भविष्यवाणी करूंगा आपके लिए। हालेलुया। मैं देख रहा हूं भाई, मैं पास्टर नहीं हूं, सॉरी ब्रदर, आई एम नॉट ए पास्टर। यस, परमेश्वर ने मुझे जब मैं संसार के अंदर खोया हुआ था, Amos 3:8 से मुझे बुलाया, सी घर जा कौन न डरेगा, परमेश्वर यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी न करेगा। और जब इस भाई के लिए मैं एक चीज को देख रहा था, जब इस भाई के लिए एक बात को देख रहा था, 7 जब मैंने देखा जुलाई के महीने को, तो मैंने देखा कि 7 जुलाई को मैंने पवित्र आत्मा पाया था। हालेलुया। के बाद मैं 68 को भी देख रहा इधर पे, 7 and 8 होता है, बिब्लिकल जो होता है न्यू बिगनिंग को दिखाता है। आज से आपके जीवन का, आपके भाग का, आपके अभिषेक का न्यू बिगनिंग प्रारंभ हो रहा है आपके जीवन के अंदर। 1968 को मैं देख रहा इस समय, 1968 को मैं देख रहा इस समय। अगर मैं साल को प्रारंभ करूं भाई, अगर मैं साल को प्रारंभ करूं, फरवरी में मेरा बर्थडे है 29 फेब, लेकिन उसके बाद मैं आ जाता हूं मार्च महीने के अंदर में। हालेलुया। मैं मार्च को देख रहा भाई, सी मार्च। और अगर मैं देखूं भाई बिगनिंग को मैं देख रहा हूं 8। आई सीक प्रोफेटिक्स, यस। अगर यशया नबी के अंदर देखूं तो 66 चैप्टर्स हैं। हालेलुया। और मैं आपके बर्थ को देख रहा भाई इस समय, आपके जन्मदिन के तारीख को मैं देख रहा इस समय। हालेलुया। 6 उसका आखिरी लेटर है, और उसके सामने अगर मैं आ जाऊं अपने मंथ के अंदर, अगर आ जाऊं फरवरी में, फरवरी दूसरा महीना है, 26 मार्च 1968 को मैं देख रहा इस समय। ओ रबस्सा खाना महालालुया। ओ रबस्सा खाना महालालुया। क्यों ना
अगर मैं किसी के लिए कुछ बोलूं तो जरूर वहां पर अपने माइक को लाए, हालेलुया, ताकि मेरा और आपका विश्वास बढ़ जाए, हालेलुया, ताकि आपका और मेरा विश्वास को परमेश्वर बढ़ा दे, हालेलुया। 67 68, ओ रबा सखाना महालेलुया, ओ री बाबा सिखे रेबे, ओ रबा सखाना महालेलुया। 26 मार्च 1968, क्यों ना जोर से यीशु के लिए एक बार ताली, क्यों ना खड़े हो जाए यीशु के लिए एक बार खड़े हो सकते हैं अभी यीशु के लिए, ओ रबा सखाना महालेलुया, ओ री बाबा सिथे रेलेबे, ओ री खानदाना महालेलुया। I see one name, ओ रबा सखाना महालेलुया, I see, ओ री बा सखाना महाला। तिमिथियुस की पत्री को मैं देख रहा है इस समय, हालेलुया, ओ तिमिथियुस की पत्री को मैं देख रहा, हालेलुया, ओ टी से कोई नाम को मैं देख रहा, टी से कोई नाम को, टी ओ रखंताबा, टी से कोई नाम को, दिस इज टिमोथी, ओ जीसस जीसस, ओ रिसा खाना महालेलुया, ओ रीबा वसा खाना महालेलुया, ओ रीबा। परमेश्वर आपके स्तर को बढ़ा रहा है भाई इस समय, आप परिस्थितियां बदलेंगे, नेशंस टू नेशंस, यू आर द नेशंस के प्रोफेट हैं आप, नेशंस टू नेशंस परमेश्वर लेकर जाएगा, नेशंस टू नेशंस, राष्ट्रों को परमेश्वर आपकी दाला ही लाने जा रहा है, राष्ट्रों को भारत देश के अंदर परमेश्वर। और एक चीज देख रहा भाई इस समय, ओ रिसा खाना महालेलुया, बहुत कनेक्टिविटी भाई, बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी को मैं देख रहा, ओ रिखा सीखे रेबे अंदाना महालेलुया, ओ रिबाखाना। मैं इस समय मध्य प्रदेश को देख रहा, मध्य प्रदेश के मैप को देख रहा इस समय, हालेलुया, ओ रीबा साखाना महालेलुया, ओए आए मध्य प्रदेश को मैं देख रहा भाई आपके लिए इस समय, हालेलुया, ओ रीबा साखाना महालेलुया। क्या मैं आपके लिए भविष्यवाणी करूं बहन, क्या आपके लिए भविष्यवाणी करूं इस समय, ओ रबा साखाना महालेलुया। अगर मैं रायपुर से भाई, अगर रायपुर से मैं अगर गंडाई की तरफ बढ़ूं, गंडाई से अगर मैं और आगे जाऊं मंडला को भी मैं देख रहा इस समय, ओ रबा साखाना महालेलुया। लेकिन भाई मैं आपको देख रहा इस समय, एक स्पेलिंग को देख रहा इस समय, बी ए बा जी एच ए, बालाघाट 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 करके इस स्थान को देख रहा, हालेलुया, बालाघाट को मैं देख रहा आपके लिए इस समय, हालेलुया, ओ रबा साखाना महालेलुया। मतलब यहां कौन है आप जानते हैं, स्वर्ग का परमेश्वर जिसका नाम यीशु है, हालेलुया, स्वर्ग का परमेश्वर, आज से आपकी परिस्थितियां बदलने वाली है, आपकी परिस्थितियों को यीशु बदलने वाला है। आई सी वन नेम भाई ब्रदर, आई सी वन नेम, आर ए के ई एस एच, राकेश राकेश, आर ए के ई एस एच, राकेश राकेश, ऐसा कुछ नाम, आई सी वन नेम, आर ए के ई एस एच, राकेश राकेश राकेश, ओ रबासा खाना महालेलुया, ओ रीबा साखाना महालेलुया, ए आर पी, अगर मैं हालेलुया, ए आर, ओ रबस, अर्पना 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 अर्पना, ऐसा अर्पना, ऐसा कोई नाम को मैं देख रहा इस समय, ओ रीबा साखाना महालेलुया। शेखर राकेश के बाद अगर मैं देखूं भाई, आर ए एम टी ए की, रामटेक ऐसा क्या, ऐसे कुछ स्पेलिंग को मैं देख रहा इस समय, ओ रेबे सिखेरे, आर ए एम, लिसन, दिस इज माय कजिन सिस्टर्स हस्बैंड, मेरा कजिन बहन का हस्बैंड का नाम है राकेश रामटेक। क्यों नहीं यीशु के लिए एक बार जोर से ताली को, मुझे हाला लग गया, ओ रबा साखाना महालेलुया। यही खत्म नहीं हो रहा भाई, यही खत्म नहीं हो रहा, कम ऑन, आई एम ब्लेस्ड, ओ रबा सिथेरे लेबे, ये आपके बढ़ने का साइन है भाई, ये आपके बढ़ने का साइन है। अभी तक आप चल रहे थे कुछ भी नहीं भाई, ये कुछ भी नहीं है, ओ नामा सीखे रे बे, लेकिन मैं एक चीज को देख रहा, आई सी एंजल्स, प्रोफेटिक एंजल्स को मैं आपके पास देख रहा हूँ, उसका नाम को मैं देख रहा हूँ, रफायल, रफायल करके एंजल्स को देख रहा हूँ, जो आपके साथ आज से मैं रिलीज कर रहा हूँ, जो मेरे साथ खड़ा हुआ है, जो मुझे सब बता रहा है, आज से ऐसे ही मेरे अनॉइंटिंग के साथ आप चलेंगे, मेरे अनॉइंटिंग के साथ आप भी चलेंगे, ओ रसा खाना महालेलुया। और मैं इस समय देख रहा भाई, अर्पना करके जो नाम को मैं देख रहा इस समय, ओ रीबा साखाना, मैं इस समय अगर देखूं भाई मध्य प्रदेश को फिर से मैं देख रहा, ओ जबलपुर को मैं देख रहा इस समय, इंदौर को मैं देख रहा इस समय, ओ रबस से तेरे में, ओ रीबा साखाना महालेलुया। वो इंदौर में रहती है, यीशु के लिए एक बार जोर से हम ताली को, यीशु के लिए जोर से ताली, यीशु के लिए जोर से ताली को, ओ रबा साखाना महालेलुया। इंदौर में रहती है, एक नाम को और देख रहा मैं इस समय, ओ रबा साखाना साखाबो सेखे रेबे सांदाबो सेखाबा, एक पिलर को देख रहा, पिलर कोई लड़के को दिखा रहा है, एक ऐसा कोई
बच्चे को देख रहा मैं हालेलुया ओ रीबा सीखे रेबे सन देने में के उरी अंदर नमा ई खराबो सीखे हर नेम अर्पणा अर्पणा कौन है अर्पणा कौन है अर्पणा क्या नाम बताया अर्पणा राम ठेके कौन है वो आपकी मेरी बहन है कजिन बहन क्यों नहीं सुख ले एक बार जोर से हम ताली को हालेलुया हो गया मैं एक नाम को और देख रहा भाई आपके ऊपर मैं एक नाम को और देख रहा ओ जीसस आई रिसीव इट थैंक यू गॉड धन्यवाद ओ प्रभु और मेरे साथ एक भाई थे वो आपके लिए मैं देख रहा हूं हालेलुया थैंक यू गॉड कुछ दीना ना ओ रीबा सखा ना महला देखे बे गो डीप ओ सीखे तेरे लिए बे जीसस हालेलुया जीसस मैं इस समय देख रहा हूँ कई ऐसे माउंटेन को देख रहा हूँ भाई कई जीवन के अंदर कई ऐसे पड़ाव आए हैं आपके जीवन के oh, we love you, Lord. लेकिन परमेश्वर ने उसको आपके जीवन से अलग किया है Amen. कई ऐसे परिस्थितियां हैं जिसमें आप घिर गए थे yes. लेकिन परमेश्वर ने आपको वहां से बाहर निकाला है wow. इसी बीच में एक नाम को मैं देख अर्पण 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 ऐसा कोई नाम को देख रहा अर्पण अर्पण करके एक नाम को देख ARPA ऐसा अर्पण ऐसा और एक नाम को अगर मैं आगे बढ़ू तो सैमुएल करके भी मुझे दिखाई दे रहा है उसका बेटा है क्यों नहीं यीशु के लिए एक बार जोर से हम ताली को बजाएं हालेलुया लाबा सखबे बहन का बेटे का नाम है सैमुएल मैं समय देख रहा भाई अर्पण रामटेके ओ लाबा सखबा आई एम ब्लेस्ड यू केम फॉर मी प्रोफेट ओ लाबा सखना हालेलुया वाओ ओ सखेरे बे सखेने नोरियन दा नाम हालेलुया ओ रीबा सखना मैं समय एक नाम को देख रहा हूं अमित करके एक नाम को देख रहे हैं अमित अमित करके नाम को ऐसा कोई अमित नाम को जानते हैं भाई अमित अमित करके ऐसा नाम को देख रहा अमित करके आपके ऊपर एक नाम को देख रहा मैं ओ रबसा खाना हालेलुया जी हां परमेश्वर उसकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है आमेन हालेलुया अब उसके जीवन के भाग को परमेश्वर नया करने जा रहे हैं राइट भाई एक चीज को देख रहा मैं बहुत ज्यादा यीशु आप दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं हालेलुया परिस्थितियां बदलने वाली हैं मैं देख रहा हूं मैं आपके स्पिरिचुअल नेम को देख रहा भाई आपका नाम क्या नाम बताए थे आपने इनका कमलेश भाई हो सकता है आपका नाम कमलेश है लेकिन परमेश्वर की आत्मा एक नाम को आपके लिए दे रही है स्पिरिचुअल नेम को मैं देख रहा हूं आज से आपका नाम भाई आज से आपका नाम इज़राइल होगा परमेश्वर बोल रहा है हालेलुया हालेलुया आज से आपका नाम इज़राइल होगा और परमेश्वर खुद आपके जीवन के अंदर काम करना प्रारंभ करेगा जैसे ही सारे से वो सारा हुई उसका परिस्थिति बदल गया अब्राहम का नाम जैसे ही परमेश्वर ने बदला परमेश्वर ने उसकी परिस्थिति को बदल दिया प्रतिज्ञाओं को पूरा किया बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं प्रॉमिस है भाई आपके साथ परमेश्वर का जो व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया वो सारी बातों को परमेश्वर आपके जीवन के अंदर पूरा करने जा रहा है हालेलुया हालेलुया मैं जब अपने छत्तीसगढ़ से यहाँ आ रहा था जब मैं जिस घर में हूँ वहां जब मैं प्रार्थना कर रहा था हमारा छत्तीसगढ़ 1 नवंबर उसका जन्मदिन है हालेलुया ऐसा कौन है जिसका जन्मदिन यहाँ पर ऐसा कौन है जिसका जन्मदिन 1 नवंबर को प्रभु की आत्मा दिखा रही हालेलुया 1 तारीख को मैं देख रहा इस समय ओ रबा सखाना महालालुया ओ सिखे रे बे संदन है महालालुया भाई आज शाम तक जो हो रहा था आपके आज शाम तक आपके साथ जो हो रहा था लेकिन आज से परमेश्वर की आत्मा एक बात को बोल रही है और रसखनम अब ऊंचाइयों और ऊंचाइयों के अंदर चलेंगे अब परमेश्वर आपको उड़ाना प्रारंभ करेगा भाई आपको yes, yes, yes. आपके जीवन के अंदर 8 दिन 8 सप्ताह 8 महीना और 8 वर्ष में सारी चीज आपकी बदल चुकी होगी परमेश्वर की आत्मा बदल रही है आमेन 7 वीक्स 7 मंथ्स 7 इयर्स पूरे विश्व के अंदर एक पहचान परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं आज से प्रोफेटिक एनॉइंटिंग के अंदर में परमेश्वर आपको खड़ा करने प्रारंभ करेगा इनको जानते हैं आप लोग इस बहन को परमेश्वर की आत्मा एक बात को बोल रही है She is a prophetess of God. Hallelujah. बहन, आज से आप मेरे anointing के अंदर चलेंगे, मेरे अभिषेक के अंदर बहन आप चलेंगी,
मेरे साथ जो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार साइंस एंड वंडर्स होते हैं वैसे आपकी सेविकाई के अंदर चालू हो जाएंगे। ये कल से नहीं होगा, आज से ही प्रारंभ होगा। परमेश्वर की आत्मा बोल रही है। ग्लोरी टू जीसस। आप दोनों कौन है जानते हैं? ओ रबा सखाना महालेलुया। भाई प्रभु एक पिलर के समान प्रभु आपको खड़े करने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ भाई बहुत सारे सेवकों को देख रहा हूँ, बहुत सारे सेवकों को मैं देख रहा हूँ, भीड़ झुंड को देख रहा हूँ, चरवाहा करने वाला व्यक्ति। और मैं इस समय एक दर्शन को देख रहा भाई, छोटे छोटे पौधे हैं जिस भाग में आप बढ़ नहीं पा रहे थे, जिस भाग में आप जाना चाहते, बहुत डिजायर है भाई, बहुत झील है आपके अंदर, अब वो पौधा मैं देख रहा हूँ कि बढ़ना चालू हो रहा है इसी समय। जॉर्ज करके एक नाम को मैं देख रहा हूँ, जॉर्ज करके एक नाम को मैं देख रहा हूँ। ओ रबासा खाना महालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। ओ रबासा खाना महालेलुया। भाई मैं एक नाम को और देखता हूं आपके ऊपर में इस समय। आप सोच रहे हैं मैं आपके लिए भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, जब इनके लिए हो रहा है आपके लिए भी हो रहा है। हालेलुया आमेन। बहुत सारे ग्रह और बहुत सारे नामों को मैं देख रहा हूं आपके ऊपर में इस समय। नेपच्यून को अगर मैं देखूं, ओ रबा खता नामा सेखे रेबे, अगर ओ रबा सखा नामा, आई सी वी लेटर को मैं देख रहा हूं, वी 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 लेटर को मैं देख रहा हूं इस समय। हालेलुया। वीनस करके मैं एक लेटर को देख रहा हूं, ये रबा सेखे रेबे, वीनस करके एक नाम को मैं आपके ऊपर देख रहा हूं भाई इस समय। और एक नाम को अगर मैं देखूं इस समय भाई, ओ रामासा खाना महालेलुया, जे ओ एस जोसफ, जोसफ 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 करके एक नाम को मैं देख रहा इस समय। ओ रामासा खाना इज माय वाइफ्स नेम। कम ऑन गिव अ क्लैप फॉर जीसस। ग्लोरी बी टू गॉड। ओ रामासा खाना महालेलुया। जोसफ इज माय यंगर ब्रदर्स नेम। क्यों ना यीशु के लिए एक बार जोर से, मेरे छोटे भाई का नाम बिब्लिकल नाम उसका जोसफ है। मेरा आत्मिक बेटे का नाम भी जोसेफ है। वाओ। आपके आत्मिक बेटे के लिए प्रभु नहीं बोल रहे हैं, आपके भाई के लिए, जोसेफ आपके भाई के लिए प्रभु क्या बोल रहे हैं? उसका जोसेफ नाम है। वेरी करेक्ट। विदाउट गॉड। उसके ऊपर परमेश्वर का हाथ को मैं देख रहा हूं। अबे प्रभु कुछ तो कर रहा है उसके जीवन के अंदर में, कुछ तो उसके जीवन के अंदर हो रहा है इसी समय, कुछ तो हो रहा है उसके जीवन के अंदर। वी लव यू गॉड। कुछ तो हो रहा है उसके जीवन के अंदर। प्रेज गॉड। कम ऑन ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। मैं एक चीज और देखता भाई, कुछ सेलिब्रेशन हुआ है आपके घर के अंदर में, कुछ उत्सव आप लोगों ने मनाया है, कुछ उत्सव को परमेश्वर मैं देख रहा, जैसे हम शादी का माहौल होता है वैसा कुछ मैं देख रहा है इस समय। हालेलुया। कुछ आप लोगों ने सेलिब्रेट किया है। हालेलुया। ओ रबासा कुछ तो सेलिब्रेट किया है। ओ रबासा खाना हालेलुया। क्यों बता दूं भाई, जब मैं इस भाई के लिए एक आपको प्रभु दिखता है। और सात जो अंक है यरीहो की दीवार सातवें दिन गिर गया। हालेलुया। 2015 में जो 40 दिन 40 रात भूखा था मैं, 17वें दिन जब एलियास दोपहर 12:25 जब मुझसे मिलने आया, अब आपका भी एलिया के साथ इनकाउंटर होने वाला है। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। आई ब्लेस्ड। प्रभु आप दोनों के पर कुछ फेवर को दिखा रहे हैं। मरियम के लिखा है सी इज हाईली फेवर। आपके ऊपर बहुत ज्यादा फेवर को देख रहा हूँ। हालेलुया। कनेक्टिविटी, कुछ कनेक्टिविटी को मैंने देखा हम दोनों के ऊपर में। हालेलुया। ओ रबासा खाना महालेलुया। परमेश्वर की आत्मा एक बात को बोलती, बहन वी देख रहा था, वी देख रहा है इसके ऊपर भी। हालेलुया। ओ क्यों ना यीशु के लिए एक बार जोर से हम ताली को बजाएं। हालेलुया।
अब सिर्फ चलेंगे भैया और अद्भुत साइंस एंड वंडर्स आप देखने जा रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। आमेन आमेन। रब्बा सखाना मूसा, मूसा के चेहरे से जो चमक और रोशनी निकलती थी वो आप दोनों के ऊपर चमकना प्रारंभ हो गया। हालेलुया। रब्बा सखाना हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। मूसा एक भविष्यवक्ता था। You are Moses, hallelujah. Riba sahana, hallelujah. Amen. और अब देखेंगे भाई, जब आप एक्ट करेंगे वो रिएक्ट करने के लिए तैयार है। हालेलुया। Riba sahana, जब आप एक्ट करेंगे भाई और बहन, परमेश्वर रिएक्ट करने के लिए तैयार है। हालेलुया। मैं एक चीज को और देखता भाई, अगर कवर्धा से मैं आऊं चिल्फी, या मैं अगर इधर इस तरफ आ जाऊं नर्मदा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जी, तो मलाजखंड को देख रहा हूं। हालेलुया। आई सी मलाजखंड। हालेलुया। रीवा सखाना हालेलुया। मलाजखंड में मिनिस्ट्री हमारी, क्यों ना यीशु के लिए एक बार जोर से हम ताली को बजाएं। हालेलुया। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। हालेलुया। चल लेते हैं। ओ रबा सखाना हालेलुया। ओ रबा सखाना हालेलुया। इस भाई को देख रहा है, मैं यूके को देख रहा है, यूके को देख रहा है, यूके 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 आपके लिए मैं देख रहा है इस समय। हालेलुया। यूके में आप चल रहे हैं लॉर्ड। रबासा खाना हालेलुया। ओ सिखे तेरे ले बेसन देने में। श्रीलंका में बहुत ज्यादा प्रभु इस्तेमाल करेगा आपको। रिवासा का श्रीलंका को प्रभु दिखा रहा है। श्रीलंका को प्रभु दिखा रहा है। कोलंबो में बहन में आपको चलते हुए देख रहा है इस समय। हालेलुया। बहुत जल्दी कोलंबो में आप जाने वाली है बहन। हालेलुया। जितने प्रभु के सेवक लोग हैं, सेवा करने वाले लोग हैं, परमेश्वर की आत्मा एक बात को प्रकट कर रही है। 2019 सारे लोग जोर से बोलो आमेन। जब कोई प्रोफेसी की जाती तो उसको रिसीव करो आमेन करके। 2019 प्रोफेट ने बोला, रिसीव कर लो आमेन। 2019 जो होगा ईयर ऑफ मिराकल। हालेलुया। बहुत ज्यादा आश्चर्यों को भाई और बहन आप देखेंगे अपने जीवन के अंदर में। ओ रबा सखाना हालेलुया। ओ रबा, मैं यहां आने से पहले मैं अपने उपवास में था। हालेलुया। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा एक बात को बोल रही है। ओ रबा सखाना परमेश्वर बहुत कुछ करने जा रहे हैं यहाँ पर। हालेलुया। मैं एक बात को बता दूं भाई, इस जगह से भाई, इस जगह से निर्गमन 14:14 के अंदर जो हुआ था, पीछे फिरौन की सेना है, आगे लाल समुद्र है, परिस्थितियां सिचुएशन इसलिए आई आप लोगों के जीवन के अंदर में, क्योंकि परमेश्वर ने उस समय जो इतिहास में नहीं हुआ था वो किया। परमेश्वर आप सब के लिए आज तक आपके जो इतिहास में नहीं हुआ है वो इतिहास परमेश्वर आपके जीवन के अंदर लिखने जा रहे हैं। हालेलुया। आप ऐतिहासिक होने वाले हैं, आप ऐतिहासिक होने वाले हैं, ऐतिहासिक होने वाले हैं, ऐतिहासिक परमेश्वर करने जा रहे हैं। ओ रबा सखाना हालेलुया। मैं एक चीज और देख रहा भाई, कई बार मैं यात्रा किया ट्रेन से, बहुत कम हो रहा है कि मैं ट्रेन से यात्रा करूं। एक ऐसा समय था कि मेरे पास साइकिल भी नहीं थे। हालेलुया। जो भी चीज मिला पुराना मिल रहा था, लेकिन परमेश्वर ने जब उड़ाना चालू किया, दौड़ाना चालू, स्टेशन से गुजरता आमगांव को भी देखता कई बार, आमगांव तरफ से ऐसा रास्ता को जाते हुए मैं देख रहा। हालेलुया। कुछ ओ रबा सखाना हालेलुया। अगर भाई मैं बालाघाट में अगर आपको देखूं, कुछ एक ऐसा जगह को दिखा रहा है प्रभु, यहाँ बहुत बड़ा भीड़ है और वहां खड़े हुए हैं आप, बहुत ऐसा कुछ, बहुत जैसे पंडाल लगा हुआ, बहुत क्राउड ऐसा मैं देख रहा भाई इस समय। ओ सखेरे बे, आपकी मिनिस्ट्री बालाघाट में है? पूरा बालाघाट जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर हमारी मिनिस्ट्री है, और लगभग 40 सेवक हमारे साथ में वहां पर सेवा करते हैं। क्यों ना जोर से एक बार यीशु के लिए हम ताली को बजाएं। हालेलुया। हालेलुया।
और जो बड़ा पंडाल एक बड़ा वो है, वो एक बड़ा दर्शन है कि हम लोग वहाँ पर एक बड़ा जमीन खरीद करके वहाँ पर एक बड़े चर्च का निर्माण कर सके। और वो दर्शन भाई एक मिनट रुक जाए, रोक देंगे, मैं आपको रोकूंगा वहीं पर। हालेलुया, आई सी जब मेन के लिए देखता आपके लिए मुझे दिखाई देता, अब मुझे आपके लिए दिखाई दे रहे। आई सी द बिग लैंड, आई सी द 5 acres land को मैं आपके लिए देख रहा इस समय। 5 acres land, 10 acres land को मैं देख रहा इस समय। हालेलुया, बिफोर 2019 एंड 1, 2 and 3। हालेलुया, आपके पास ये ब्लेसिंग होगा। हालेलुया, आई सी वन नेम, अजय, अजय करके एक नाम को मैं इस समय, AJAY करके एक नाम को देख रहा है इस समय। भाई अजय के लिए परमेश्वर परिस्थितियों को बदल रहा है इस समय। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। हालेलुया, प्रभु आपको बढ़ाए। और मैं आपको बता दूं, जिस द्वार में आप खड़े हुए हैं, जहां पर आप खड़े हुए हैं भाई, वहीं से परमेश्वर रास्तों को खोलना प्रारंभ करेगा। हालेलुया, आप सबों के लिए, जितना इस मैं इस तरफ देख रहा है, इसी मैं आपके लिए भी देख रहा है इस समय। आपके लाइफ का आज से न्यू बिगनिंग चालू हो रहा है। हालेलुया, न्यू बिगनिंग चालू हो रहा है, क्योंकि 7 + 8 प्रोफेटिकल मैथमेटिक्स को अगर देखूं मैं, 7 + 8 = 15, 1 + 5 = 6, 6 इज ए प्रोफेटिक नंबर, 66 इज ए प्रोफेटिक नंबर, और परमेश्वर इसमें सारी भविष्यवाणियों को अब पूरा करना प्रारंभ करेगा आपके जीवन के अंदर में। हालेलुया, बहुत सारी अब नई बातों को आप अपने जीवन के अंदर देखेंगे भाई। एक नया नाम परमेश्वर आपके साथ जुड़ने जा रहा है, एक नए नाम के साथ परमेश्वर आपको खड़े करेगा, नए पहचान को परमेश्वर देगा। सारे थी तो उसके साथ एक बदनामी था कि वो बांझ थी, लेकिन जैसे ही सारे से सारा हुई, उसको परमेश्वर ने एक नया आइडेंटिटी दे दिया। आज से भाई आपके जीवन के अंदर में, जैसे ही फरवरी का महीना लगेगा, एक नया पहचान के साथ परमेश्वर भारत देश के अंदर आपको खड़े करेगा। ये बात प्रभु की आत्मा बोल रही इस समय। हालेलुया, अगर मैं भिलाई में होता तो वहां के लोग अभी खड़े होकर चिल्लाने लग जाते। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। वो चेयर अभी तो कहीं दिखाई नहीं देता वहां पर। हालेलुया, अगर आपको देखना है, देखिए देखिए, जोर से आनंद मनाए, सामर्थ को लो, ये सामर्थ का काम है, एंजॉय करो प्रभु की उपस्थिति को। कम ऑन, कम ऑन, साखा बो रे बालाबा, ओ रावा सखे रे बे। मैं इस समय देख रहा भाई, दिखाई दे रहा है उसी तरफ एक बड़ा सा कुछ सड़क को मैं देख रहा हूं, चौड़ा सड़क है, उसी तरफ कहीं पर आपको घर को मैं देख रहा हूं, चौड़ा सड़क है, पार करके हम जा रहे हैं, ऐसा कुछ जगह को देख रहा मैं। ओ रावा साखा रमा, जब बहुत सारी गाड़ियां, ट्रक और बहुत सारे, जैसा अगर मैं बोलूं, अगर मैं जब अपने घर के लिए यात्रा करता तो रिंग रोड होता है वो, वैसा रिंग रोड को मैं देख रहा हूं। ओ रावा से रे बे, ओ रावा साखा रमा, हालेलुया, रिंग रोड को देख रहा आपके लिए मैं। हालेलुया, ओ रावा साखा रमा, हालेलुया, बहन yes. आपको बढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया, आमेन, वाओ। जनवरी के महीने में जब मैं अन्य अन्य भाषा को बोल रहा था, आई मेट, जब मैं मूसा मेरे रूम के अंदर आया, हालेलुया, और उसने कहा कि भारत देश के लोग अब साइंस एंड वंडर्स देखेंगे। हालेलुया, वो उसने कहा जो मेरे समय में जैसा चिन्ह और चमत्कार होते थे, वैसे ही चिन्ह और चमत्कार आपकी कलीसिया के अंदर, इस शहर के अंदर होना प्रारंभ होगा। आमेन, आपकी सेवा के अंदर, आपकी सेवा के अंदर। मैं बहुत ज्यादा सुपर नेचुरल में चलता हूँ। हालेलुया, आप विश्वास करते हैं सुपर नेचुरल? यस यस, अलौकिक बातों के अंदर भी। तीन बार मैं साधु सुंदर से मेरा मुलाकात हो चुका है। हालेलुया, मैं साधु सुंदर से 3 बार मिल चुका अपने रूम के अंदर में। हालेलुया, उसने कहा बेटा, ओ रावा साखा, उसने कहा मेरे सेवकाई में जैसा होता था, उससे सब कुछ दुगना भारत देश के अंदर मैं अपने लोगों के अंदर उठेलने जा रहा हूँ। परमेश्वर के संदेश को उसने दिया, भाई आई सी सब कुछ मल्टीप्लाई होने वाला है। मल्टीप्लाई, 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 मल्टीप्लाई आपके जीवन के अंदर, मल्टीप्लाई।
सब कुछ दुगना हो जाएगा बहन आपके जीवन के अंदर में। आमेन, आमेन। मैं एक सरनेम को देख रहा इस समय। ओ रबस, VADH, वैद्य, वैद्य ऐसा कोई ऐसा वैद्य करके एक सरनेम को देख रहा, क्यों ना यीशु के लिए जोर से हम ताली को बजाएं। ओ रबस, ओ रबस, हालेलुया। जब मैं ऐसा चल रहा था, जब मैं इस बहन के पास आया और जब इस भाई को देख रहा था, जब इस भाई को देखा, मैंने उस सरनेम को देखा, हालेलुया। और प्रभु आपके परिस्थितियों को बदल रहे हैं, आपके जीवन के भाग को बदलने जा रहे हैं। ओ रबा सेखे रेबे। मेरा नाम वैद्य है, मैं सेवा करता हूं उत्तरनाकुर में, सीनियर पास्टर हूं। सेखे रेबे हांदा नमा, हालेलुया। क्यों नहीं एक बार यीशु के लिए जोर से ताली को बजाएं, हालेलुया। मैं आपको बता दूं, अभी मैं हिमाचल में होता, हिमाचल में मौसम खराब हो चुका है और मेरे मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया, हालेलुया। हिमाचल के बाद मैं उत्तराखंड में होता, देहरादून पे होता, लेकिन सब कुछ पोस्टपोन हो गया। क्यों हुआ मालूम है? क्योंकि मैं यहाँ पे आज हूँ, हालेलुया। क्यों ना उस सेवक के लिए हम एक बार से, जो यहाँ पर नहीं है इस समय, जिसने आपको फोन किया था भाई राजू, राजू राजू भाई राजू ने आपको फोन किया था, क्योंकि उनका एक भविष्यवाणी पूरा हुआ उनके जीवन के अंदर में और उनके पुस्तक का कुछ विमोचन में उन्होंने बड़ा रिक्वेस्ट किया कि मैं आऊं, और मैं खाली नहीं था, लेकिन अचानक से हिमाचल प्रोग्राम खत्म होने के कारण, पोस्टपोन होने के कारण उन्होंने रिक्वेस्ट किया भाई। मैं बोला मैं 4 तारीख आ सकता हूं भाई, उसके बाद मैं नहीं आ पाऊंगा, हालेलुया। उनके भी कोई वीसा पे आने वाले, लेकिन वो भी नहीं आ सकते। जैसे उन्होंने वीसा बोला, प्रभु ने उनका नाम प्रकट किया, हालेलुया। जैसा मैंने उनका, उन्होंने बोला मेरे वीसा नहीं आ पाएंगे भाई, वो प्रॉफिट बोलते हैं मुझे सीधा, प्रॉफिट मेरे बिशप नहीं आ पाएंगे। मैंने कहा आशीष, हालेलुया। बोले मेरे बिशप का नाम क्या है? आशीष है, हालेलुया। उस भाई के लिए, क्यों ना उस भाई राजू के लिए, उस प्रभु के सेवा के लिए एक बार जोर से हम ताली को बजाएं, हालेलुया। मैं देखा कि प्रभु ने उसको बहुत अद्भुत तरीके से अगुवाई किया कि मैं यहाँ पर आ जाऊँ। मुझे उसने कुछ भी नहीं बताया, ना मैं आप लोग को जानता भाई, लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ, मैं आपको जानूंगा कुछ नहीं होगा भाई, आप मेरे को जानेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बोल दूं, जब यीशु जब आपको और मुझको जानता है तो फर्क पड़ता है, हालेलुया। जब यीशु जानता है तो वीनस नाम भी प्रकट हो जाता है, हालेलुया। जब यीशु पहचानता है तो वो स्पेलिंग भी दिखा देता है, वी ए वैद्य से कुछ नाम को प्रभु ने जब दिखाया, हालेलुया। मैं देख रहा भाई वो सारे लहर लोगों के जीवन से थमना चालू हो रहे हैं, जो लहर चल रहे हैं जिस कारण से आप परेशान चल रहे हैं, एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसा कांटा है जीवन के अंदर जो कई बार चुभता है आपको, लेकिन वो कांटों को परमेश्वर इस समय खत्म कर रहा है आपके जीवन के अंदर। इसी समय, इसी समय मैं देख रहा हूँ, इसी समय मैं देख रहा हूँ, खत्म हो रहा है आपके जीवन के अंदर इस समय। मेरे पास समय नहीं है, हालेलुया। मैं संदेश खोलने के लिए, मेरे पास संदेश है, लेकिन मैं एक संदेश का एक लाइन सिर्फ आपको बोलूंगा। मेरा संदेश का मैं हमेशा विषय में प्रचार किया करता हूँ, बस सिर्फ आप खड़े रहे, मैं समाप्त कर दूंगा 5 मिनट के अंदर, मैं समाप्त करने पर हूँ। 9:30 इज माई लास्ट टाइम। मेरा संदेश का विषय था, अगर मैं कल आपके बीच में रहा तो मैं जरूर आपके लिए भविष्यवाणी आपके पास आऊंगा, हालेलुया। अगर मैं आपके साथ रहा तो मैं आपके नाम को जरूर बताऊंगा, हालेलुया। मैं आपके स्थान को जरूर बताऊंगा, आपके जन्मदिन को जरूर बताऊंगा, और ये इसलिए बताऊंगा कि आपका विश्वास क्या हो जाए, आपका विश्वास मजबूत हो जाए। वचन के अंदर लिखा है, वी वॉक बाई फेथ नॉट बाई साइट। अगर हम फेथ करते हैं, फेथ का पहला वर्ड क्या है भाई? और एफ फॉर क्या होता है? एफ फॉर फिश नहीं होता, एफ फॉर फैन नहीं होता। पवित्र आत्मा के बाइबल कॉलेज के अंदर मैंने पढ़ा, अगर आप फेथ करते हैं तो आप फेवर में चलना प्रारंभ कर देते हैं। आप फेवर में चलेंगे, आप फेवर में चलेंगे भाई। उसके पक्ष को मैं देख रहा आपके ऊपर में, पक्ष को देख रहा आपके ऊपर में, और मैं इस समय देख रहा यीशु को यहाँ पर। मैं यीशु को चलते हुए यहाँ पर देखते हुए, मैं यीशु को देख रहा हूँ इस जगह में चलते हुए, और वो चल रहे हैं। परिस्थितियां बदल रही है, परिस्थितियां बदल रही है इस समय। हो रबा,
हो सकता है आपकी परिस्थितियां आपको डरा रही है, आपका कर्ज आपको डरा रहा है, अपने भविष्य को लेकर आप चिंतित है, अपने बच्चे को भविष्य को लेकर आप चिंतित है, बेरोजगारी का डर आपके जीवन के अंदर चल रहा है, परिस्थितियां आपको परेशान कर रही है, हो सकता है तनाव लड़ाई और झगड़े तमाम प्रकार की बातें आपके जीवन के अंदर चल रही है, लेकिन क्या आप डर के द्वार में आप खड़े हुए हैं और वहां यीशु के बीच में आया और बोला तुम्हें शांति मिले, शांति का जो शाब्दिक अर्थ होता है, शांति का जो मीनिंग होता है, शांति का जो अर्थ होता है, शांति का अर्थ होता है भाई और बहन, पीस का जो मीनिंग होता है, शांति का जो अर्थ होता है वो होता है उत्तर। हालेलुया। अगर आज आप डरे हुए हैं, डर के द्वार में अगर खड़े हुए हैं, परमेश्वर आत्मा बोल रही है, परमेश्वर आज और इसी समय आप सबको उत्तर देने जा रहे हैं। हालेलुया। आप सबको परमेश्वर उत्तर देने जा रहे हैं। हालेलुया। आपकी परिस्थितियां अब बदलेगी आपकी और परमेश्वर आपके भाग को नया करने जा रहा है। भाई और बहन, क्या आप डर के द्वार में आप खड़े हुए हैं? क्या आप डरे हुए हैं? यीशु मसीह उनके बीच में आया, यीशु मसीह के चेले उनके भी डरे हुए हैं। हो सकता है डर आपको परेशान कर रहा है। भाई, परिस्थितियां बदलने वाली है, परिस्थितियां आपके जीवन की बदलेगी। भाई, मैं पिछले 3 महीने को देख रहा भाई आपके ऊपर में बहुत सारी परिस्थितियां आ रही है जो रुला रही है। भाई, बहुत कठिन समय के अंदर आप चल रहे हैं भाई। ओ रबासा खाना मालौन भाई, लेकिन यीशु आपसे प्यार करते हैं। आज और इस समय आपकी परिस्थितियां बदल रही हैं। मैं इस समय देख रहा भाई, मैं आपके घर को देख रहा हूं इस समय, जहां पर आपका घर है भाई, बहुत सारे से सटे सटे घर को मैं देख रहा हूँ, और बड़े पतली ज्यादा चौड़ा सड़क नहीं है, पतला सा सड़क है, वहां पर आपका घर को मैं देख रहा भाई, वहां पर एक पेड़ को भी मैं देख रहा हूं इस समय। हालेलुया। ओ बहुत सकरा सड़क आपके घर के पास मैं देख रहा, और मैं आपके घर के पास हूँ भाई इस समय। जैसे मैं अगर घुसूं भाई आपके घर के अंदर में, अगर मैं आपके घर के अंदर घुस रहा हूं भाई, तो बहुत ज्यादा बड़ा रूम नहीं है भाई, और उससे लगा हुआ एक छोटा सा रूम, जैसे किचन जैसा रूम मुझे दिखाई दे रहा है। एक रूम को मैं देख रहा हूं इस समय, जहां पर मैं खड़ा उस समय, मैं आपके घर के सामने हूं भाई, इस समय सामने में है भाई। जैसे घुसेंगे उस रूम के अंदर आएंगे, यहां पर कुछ चेयर है भाई, वहां पर कई बार आप खड़े रहते भाई, इस तरफ छोटा सा हॉल जैसा भाई, उसके बाद ऐसा उससे लगा हुआ एक दरवाजा, और वहां पर किचन, बहुत बड़ा किचन नहीं भाई, छोटा सा किचन है, उसको मैं देख रहा भाई इस समय। हाँ, सही है, सही है। क्यों नहीं, इसके लिए एक बार जोर से हम ताली को बजाएं। हाँ, हालेलुया। परिस्थितियां डरा रही है भाई, संघर्ष और संघर्ष आप लोग कर रहे हैं, जिसने जो चाहा वो बोला है भाई, आपके अपने लोग भाई, आपके अपने लोगों ने भी क्या कर दिया भाई, हन्ना को पनिन्ना चिढ़ाया करती थी भाई, चिढ़ाए जाने वाली परिस्थिति, लोग चिढ़ाते हैं भाई। सही है। एलिशीबा के जीवन के अंदर भाई, उसका पति जकरिया याजक है, लेकिन वो एक बांझ स्त्री है, सारा के लिए बहुत बड़ा प्रॉमिस हुआ है भाई, लेकिन परिस्थिति, वो बूढ़ी हो चुकी है, साइंस उसको फेल कर चुका है भाई, उस अपमान को लेकर आप लोग चल रहे हैं भाई। बराबर, सही है। लेकिन इसी समय स्वर्ग का परमेश्वर, जिसका नाम यीशु है, इसी समय, और मैं इस समय शैतान को समस्या के अंदर डाल दूंगा। हालेलुया। डेविल इज स्टबल। शैतान इस समय समस्या के अंदर आ रहा है भाई, आज और इसी समय, आज और इसी समय सारा का परमेश्वर आपके जीवन के अंदर आ रहा है इस समय, और परिस्थितियां बदल रही है इस समय। हन्ना के जीवन के अंदर से सैमुएल आया था। हालेलुया। सारा ने इसहाक को जन्म दिया था। एलिशीबा गर्भवती हो गई थी। जितने लोग यहां आज तक उस परिस्थिति के अंदर चल रहे हैं, इसी समय सारे गर्भ खुल रहे हैं यीशु के नाम में। इस समय इस भाई के कारण बहुत सारे लोग आशीषित हो रहे हैं, इस भाई के कारण कई लोग आशीषित हो रहे हैं। ओ रबासा चेहरे में। भाई आपके साथ कौन है? मेरी बीबी है। और कौन है आपके घर के अंदर में? माँ है। और कौन है घर में? आप दोनों के अलावा कौन है? कोई नहीं है। क्या आप खुश हैं बहन? हाँ। क्यों खुश हैं? क्योंकि मेरे अंदर एक प्रार्थना थी कि मेरी शादी को 1.5 वर्ष हो हुए, मुझे कोई भी बच्चा। शैतान समस्या के अंदर आ गए। हालेलुया। रबासे केरे बे। आमीन। बहन, मैंने उदाहरण क्या दिया था? एलिशीबा, हन्ना और सारा। हालेलुया।
हन्ना का परमेश्वर आज आपके पास खड़ा हुआ है, आपके गर्भ को छू रहा है इस समय। हालेलुया, आमीन। ओ रबा सेखे रेबे, मैं एक लड़का और एक लड़की को देख रहा आपके लिए, और जैसे ही उसका जन्म होगा इस शहर की समस्या खत्म हो जाएगी, इस शहर को प्रभु बढ़ाने लगेगा। ये चिन्ह होगा, जैसे ये गर्भवती होगी आपकी परिस्थितियां बदलना चालू होगी, आपकी परिस्थितियां बदलना चालू होगी। ओ रबा सेखे रेबे, ओ रबा सखाना महालालुया। आपके पास कितने लोग हैं भाई? आप लोग आपके घर में कितने लोग हैं? यस, थ्री। मैं उसको देख रहा भाई, आपका बेटा है, मैं उसको देख रहा इसको, लेकिन उसको देख रहा कि बहुत ऊंचा बढ़ा, ऊंचा हो, लंबा होगा वो। हालांकि बस से खेल रही, वो आपके जैसे हाइट का नहीं है भाई वो। परमेश्वर की आत्मा दिखा रही है परमेश्वर इसी समय मेरे अंदर जो अभिषेक है, वो राष्ट्रों का भविष्यवक्ता होगा। परमेश्वर बोल रहे हैं राष्ट्रों का, नेशंस का प्रॉफिट होगा वो, राजा मिनिस्टर, वो किंग लोग के पास खड़े होगा। मैं इसको उस समय देख रहा, मैं आप तीनों को देख रहा भाई इस समय। भाई जो एक नाम प्रभु ने प्रकट किया था, राकेश, राकेश, उसके सामने में एक ए करके कोई जगह को नाम को दे, ए से स्टार्ट हो रहा है कोई जगह, अल अल ऐसा कुछ नाम को देख रहा, ए एल ऐसा कुछ, ऐसा कोई जगह है जहां पर वो है, ऐसा कुछ जगह है जो उनसे संबंधित है कुछ, उस जगह को प्रभु दिखा रहा है। अलवर, अलवर स्थान में उसने काम किया है, राकेश रामटेके। और मैं इस समय देख रहा भाई, कोई ऐसा नाम, कोई स्कूल का नाम है या कॉलेज का, आई डोंट नो, वाओ, जोसेफ, 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 ऐसा कुछ, जोसेफ ऐसा कोई कॉलेज या स्कूल, ऐसा नाम को मैं देख रहा, स्कूल कॉलेज या कॉलेज, आई डोंट नो, लेकिन उस बहन का कुछ, वो उनकी, वो आपकी बहन है वो, ओ उसका कनेक्टिविटी कुछ, उसका कनेक्टिविटी कुछ ऐसा दिखा रहा है प्रभु। वाओ, ओ रिबासा खाना महालाल साखाबो सेखेरे, यस सेंदेने में हालेलुया। स्कूल कॉलेज, हम लोग का स्कूल कॉलेज है, क्यों नहीं यीशु के लिए एक बार जोर से हम ताली को बजाएं, हालेलुया, जो मेरी बहन देखती है। ओ रिबासा खाना साखाबो सेखेबे, परमेश्वर क्यों प्रकट कर रहे हैं इन सब बातों को मालूम है? ओ आपके फेथ को वो बढ़ा रहा है, हालेलुया, यस। मैं यहाँ पे ऐसी नहीं आया हूँ, हालेलुया, आमेन, वेरी ट्रू। अगर मैं यूएसए वाले को बोलूँ, अगर फास्टिंग कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, बोलते हैं ब्रदर प्लीज कम, मैं बोला आपके देश, आपका देश मुझे आने नहीं दे रहा है, हालेलुया। मैं एक चीज बोलता हूँ, अपने जिस राज्य में रहता हूँ वहां पर एक बात को हम बोला करते हैं, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, हालेलुया, सबले बढ़िया, हालेलुया। हम अंगीकार करते हैं उस राज्य के लोग कि छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं सबसे अच्छे लोग हैं, हालेलुया। अगर आप अंगीकार करेंगे तो परमेश्वर इस शहर को भी और आपके जीवन को भी, आमेन। मैंने भाई तीन लोगों को आपको देखा था, और आने वाला जो मार्च होगा, मार्च के 2019 मार्च से भाई बहुत ज्यादा बिजी, उड़ेंगे और उड़ेंगे सिर्फ, हालेलुया, आमेन। मैं आप तीनों को इजराइल में चलते हुए देख रहा हूं इस समय, हाला, ओ रबा सेखे रेबे, लिसन लिसन प्रॉफेट, लिसन, ध्यान से सुनना, प्रोफेसी फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, जो भी भविष्यवक्ता कर रहे हैं यहाँ पर प्रभु की महिमा के लिए, ये संडे, जो संडे गया लास्ट वीक, मैंने अनाउंस किया मेरे चर्च में, और हमने प्रण किया कि हम आने वाले साल में
इज़राइल को जाने वाले। क्यों ना यीशु के लिए एक बार जोर से हम ताली को बजाएं। जब मैं इनको देखता तो आपको भी चलते हुए वहां पर देखकर हालाल यार नहीं बस से कह रहे भाई। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। आई एम टेलिंग यू एंजॉय। कौन से द्वार में आप खड़े, क्या डर के द्वार में आप खड़े? हालेलुया। परमेश्वर आपके आज से क्या करने जा रहे हैं? न्यू डोर। एक चीज बताना, मैं हमेशा अपने जिस प्रकाशन को मैंने जिस बात को सीखा उसको बता के मैं समाप्त कर दूंगा। हालेलुया। सद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी के अंदर डाल दिया गया। राजा उसको जानता था। राजा बोला भाई झुक जाओ भाई, बच जाओगे। वो लोग बोले नहीं झुकेंगे, समझौता नहीं करेंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा, और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपको आशीषित करेगा इसके बाद। आमेन। जोर से बोलो आमेन। आपको आशीषित करेगा। आमेन। अगर आप ग्रहण करेंगे। आमेन। सद्रक मेशक अबेदनगो को जब आग की भट्टी के अंदर डाल दिया गया, उनको कोई चौथा व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। बड़े ध्यान से सुनेगा, लेकिन राजा रात भर बेचैनी में है। जब वो देखने आया उसको चौथा व्यक्ति दिखाई दिया। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको यीशु मसीह दिखाई दे या नहीं दे से कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरी ट्रू। आपको यीशु मसीह बहन दिखाई दे या ना दे से कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरी ट्रू। लेकिन आज से आपके शत्रुओं को यीशु मसीह दिखाई देगा। हालेलुया। हालेलुया। आपकी समस्या यीशु को देखने वाली है। आपकी समस्या यीशु को देखेगी। यीशु को देखेंगे। यीशु को वो देखेंगे। क्योंकि राजा को वो चौथा व्यक्ति दिखाई दिया था और राजा उनका शत्रु था। आपके जो भी शत्रु हैं आज से यीशु को देखेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको यीशु दिखाई या ना दे या ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके शत्रुओं को यीशु से दिखाई देगा। हो रब ऐसे कह रहे हैं, आपके शत्रु को यीशु दिखाई देगा। ग्लोरी बी टू गॉड। साखा बो से के बे। वाओ। यस। रिसीव इट। और रब ऐसा कह रहे हैं। ओ जीसस। थैंक यू जीसस। अपने आंखों आप क्यों ना अपने दोनों हाथों को उठाएं, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया। क्यों ना अपने दोनों हाथों को उठाएं। हालेलुया। ओ रिबस सीखे रे बे अंदर ना। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। रिबे सीखे तेरे ले बे सेंदे ने बे हरे बे खौरा लाबा। थैंक यू होली स्पिरिट। वही प्रार्थना हम आपका अभिवादन करते हैं। ओ रिबे सीखे तेरे ले बे। Thank you, Holy Spirit. क्यों ना अपने हाथों को उठाएं भाई और बहन। यीशु के नाम में प्रार्थना करता प्रभु जी। जब ये डर के द्वार में खड़े हुए हैं प्रभु जी, यीशु के नाम में प्रार्थना करता प्रभु। आपने कहा तुम्हें शांति मिले प्रभु जी। आज से इसी समय इनके परिस्थितियों को बदलने की मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ प्रभु जी। इसी समय वही तो आत्मा की सामर्थ्य को छूने पाए, वही तो आत्मा का अभिषेक इनको छूने पाए। प्रोफेटिक एनॉइंटिंग को रिलीज करते हैं प्रभु जी। भविष्यवक्ता की आशीषों को रिलीज करते हैं। आमेन। भविष्यवक्ता की आशीष आ जाए। आमेन। इनके जीवन की परिस्थितियां बदल जाए। आमेन। इनके जो सारे शत्रु चले आओ, हर एक बीमारी तकलीफ यीशु के नाम में चले आए इनके जीवन। आमेन। इन्हें ब्लेस करिए प्रभु जी, ब्लेस करिए लॉर्ड, ताकि आपकी महिमा होने पाए। सबको आशीष बरकत दीजिए प्रभु। यहाँ के एक एक दास भक्तों को आशीष दीजिए प्रभु। एक एक भाई बहन बच्चे बुजुर्ग जवानों को आशीर्वाद। आमेन। हर एक को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें प्रभु। आप दया करिए प्रभु जी। संध्या करके आप नाम दे रहे हैं स्वामी। बहन संध्या की परिस्थितियां यीशु के नाम में बदल जाए इस समय प्रभु जी। पूर्णिमा की पूर्णिमा करके आप नाम दे रहे हैं प्रभु जी। पिंकी करके नाम दे रहे हैं प्रभु, उसकी परिस्थितियां यीशु के नाम में बदल जाए प्रभु जी। सरोज सरोज करके आप नाम दे रहे हैं प्रभु जी। परिस्थितियां बदलने पाए इसी समय लॉर्ड। रखा था सीखे रे बे। एक एक को स्पर्श करिए प्रभु जी, आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी। हर एक के जीवन के भाग को नया करिए प्रभु। आकाश प्रभु उसकी परिस्थितियां बदल जाए। ओ रबा खता नम सीखे रे बे। अमित करके आपने नाम दिया था प्रभु जी, अच्छे करके नाम दिया था प्रभु। इनका
भाग स्टीफन करके आप नाम दे रहे हैं प्रभु जी, स्टीफन की परिस्थितियों के अंदर आपकी सामर्थ काम करने पर। मोहन करके आप नाम दे रहे हैं प्रभु जी, मोहन को छू लीजिए, उस भाई को प्रभु जी उसे आशीर्वाद करिए, सबको बरकत दीजिए। वो इस वक्त की जितनी आशीष है प्रभु यीशु के नाम में इनको मिलने, मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। जो सुनैम में कुलीन स्त्री के पास एलीसा रुका हुआ था प्रभु जी, मैं जितना देर यहां रुका प्रभु जी, मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता प्रभु जी, इन्होंने मेरा आदर किया, सम्मान किया, मेरी बातों को सुना है प्रभु यीशु के नाम में। आपने कहा अपने भविष्यवक्ता एलीसा के द्वारा कि बसंत ऋतु लगने से पहले तो अपने बेटे से एक छाती को, छाती से अपने एक बेटे को लगाएगी। बसंत ऋतु आने से पहले प्रभु इस कलीसिया को, यहाँ के एक एक लोगों को, भाई बहन, भक्त, दास, नबियों को, की परिस्थितियों को मैं बदल दूंगा। आप बोल रहे हैं प्रभु, आपकी महिमा करके यीशु के नाम में प्रभु जी। सारफत नगर के अंदर में जब एलिया पहुंचा प्रभु जी, अकाल खत्म हो गया। हालेलुया, लोगों के अकाल को आप खत्म कर रहे हैं इस समय प्रभु जी, यीशु के नाम में सारे अकाल चले, यीशु के नाम में इस समय प्रभु जी। हालेलुया, जब एलिया का सेवक जब गया, सातवें बार तो उसको एक हाथ दिखाई दिया, जीसस, वही हाथ को मैं देख रहा इस समय लोगों के ऊपर में। हालेलुया, आमेन, और वो हाथ बढ़ रहा है इस समय यीशु के नाम में। हालेलुया, और परिस्थितियां बदल रही है। थैंक यू जीसस, हर एक को आप बरकत दीजिए, आशीष दीजिए प्रभु यीशु के नाम। आइए हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता, जिंदा जीवी पवित्र सामर्थ्य खुदा, और एक बार यीशु के नाम से आज का दूसरा दिन सभा को बड़ी आशीष किया, अनुग्रह प्रदान किया, इससे धन्यवाद करते हैं। आपके भविष्यवक्ता के द्वारा आज ही दूसरा दिन सभा का आश्रय प्रभु, जिन जिन का नाम लिया गया है यीशु के नाम से आशीष किया जाए। कल को भी आपका दास को इस्तेमाल करने के धन्यवाद। कल सुबह से लेकर रात तक सारे सेशन को बड़ी अभिषेक कर आशीष दे। आज का सारे कार्यक्रम का धन्यवाद। सारे महिमा आदर गौरव तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करें। आमेन। आशीष बिशप साहब।